हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को आपकी याद नहीं आती। आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा है कमेंट सेक्शन में, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओह माय गॉड, इनकी हिडन इमोशंस बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। लगता नहीं है कि ये हर किसी से खुद को बहुत ही आसानी से एक्सप्रेस कर पाते हैं। नहीं, ये अभी भी हो सकता है ये अपने मिड थर्टीज़ में हो, या अर्ली थर्टीज़ में हो, या लेट ट्वेंटीज़ में हो, पर फिर भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ओपन होने में टाइम लगता है। इस पर्सन को हमेशा से ये रहा है कि अगर ये ओपन अप हो गए और इनकी कोई ऐसी बात किसी और को पता चल गई जो नहीं पता चलनी थी, तो इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा सोचते सोचते इस पर्सन ने हमेशा अपने आप को क्लोज करके रखा है। बहुत सीक्रेटिव पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे काढ़ा है बिहाइंड द मास्क। बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इनको रिश्ते पे साथ निभाने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा ये एक बार रिलेशनशिप में आ गए तो आपको बहुत ज़्यादा ही ये मानते हैं, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर ये पर्सन अपने इमोशंस को थोड़ा सा काबू में, या फिर ये मान लो कि कम करके रखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर किसी को बाहर पता चल गई ये बात, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ ये दूसरों को समझाते हैं, दूसरों को किसी टाइप की दवा देते हैं, एडवाइस देते हैं, या कोई फॉर्म वगैरह देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत लोगों की नज़रों में रहते हैं। तो अगर ये इमोशनल रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे इनके बारे में? लोग सोचेंगे, अरे यार ये तो स्ट्रांग नहीं है, अरे यार ऐसे बातें मनाएंगे। तो ये अपने आप के इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन आंसू बहाते भी हैं तो किसी कोने में जाके अलग से बहाते हैं। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मन करता है कि ये अपने आप को खुश देखें, आपसे बात करें और आपकी ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो खुशियां हैं वो आपके आने से दुगनी हो जाएगी। पर ये पर्सन हिचकिचाते हैं। क्यों हिचकिचाते हैं ये? द हर्मिट, फोर ऑफ वॉन्ड्स। देखो देखो, बहुत कुछ पता चल रहा है, बहुत खुलासे हो रहे हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। कैसी लग रही है रीडिंग बताइएगा ज़रूर। अच्छा ये बताइए, किस किस को शाम वाली रीडिंग चाहिए मुझे बता दीजिएगा। टैरो ट्रीट्स वाला जो चैनल है, उसमें अगर आपको शाम वाली रीडिंग चाहिए 7 बजे वाली, मुझे बताइएगा ज़रूर। कहीं ऐसा ना हो कि आप सब ने बोल दिया कि मैम चाहिए चाहिए और फिर आप खुद ही भूल जाओ, ऐसा ना करना, ठीक है। ओह माय गॉड, यहाँ तो एक अलग ही कहानी पता चल रही है। ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है ये पर्सन क्यों नहीं एक्शन लेते। इस पर्सन का पास्ट ना बहुत ज़्यादा अकेलेपन में गुजरा है। कहीं ना कहीं ये इनकी चाइल्डहुड मेमोरी का असर है। हो सकता है इनका कोई अपना हो जो इनके साथ अब नहीं रहते हैं, जिनसे ये अपनी सारी बातें शेयर करते थे, या फिर ये मान लीजिए उनके जाने के बाद कुछ ऐसा हश्र हुआ, कोई दोस्त हो सकता है, कोई कज़न हो सकते हैं, या कोई घर वाले हो सकते हैं, कि इस पर्सन को हमेशा एक लत लग गई जीतने की। और कहीं ना कहीं इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इन्होंने अपनी लाइफ की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खुद ही की है, खुद के बलबूते पे की है, अकेले ही ये चीज़ करनी पड़ी। तो इस पर्सन को अकेले रहने की आदत है, इस पर्सन को आदत है खुद की चीज़ें खुद तक सीमित रखने की। तो इस पर्सन को ये लगता है कि अगर ये पर्सन एक्शन लेते हैं तो क्या इनकी जीत ही होगी। ये चीज़ इनको बहुत परेशान करती है, और अगर जीत नहीं हुई तो ये हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लिटरली स्पीकिंग हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से ये अकेला महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद से ही, खुद की ज़िंदगी से ही मुंह फेर लिया है। इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उथल पुथल हो रखी हैं। इनके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ हो सकता है। अगर इन जनरल बताऊँ, इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, पर मुझे ऐसा लगता है इनकी लाइफ में इमोशनली ये बहुत अकेले हैं। इनकी लाइफ में पार्टनर की कमी हमेशा से रही है, और इन्होंने जिनसे भी प्रीत लगाने की कोशिश करी, आस लगाई, हर कोई इनको छोड़ के गया है।
वो भी किस वजह से, इनके ना बोलने की वजह से। क्वीन ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में आप हो क्वीन ऑफ कप्स, देख लो इनकी लाइफ में आप हो क्वीन ऑफ कप्स और ये आ गया है टेन ऑफ कप्स। एक आप ही वो क्वीन ऑफ कप्स हो। देखो सबसे पहले तो इस पर्सन को एक तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से मिला है। जिस तरीके से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, कभी आपकी बात नहीं मानी है, उससे ये साफ होता है इस पर्सन के साथ भी वो चीज़ हो चुकी है, वो हश्र हो चुका है। हो सकता है इनका बिजनेस में लॉस हो गया हो सकता है इनका कोई पर्सनल लॉस ऐसा हो गया हो जिसके बारे में किसी से बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो आप एक ऐसी क्वीन ऑफ कप्स हो जो इनकी लाइफ को फिर से हरा भरा कर सकते हो, इनकी लाइफ में एक मीनिंग ला सकते हो, उनकी लाइफ को दोबारा से एक नए रुख में लेके आ सकते हो, उनको खुशियाँ दे सकते हो, आप उनकी इमोशंस को समझते हो, आपके साथ ही अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। इनका यही आपके साथ हमेशा रहा है कि आप इनको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में मिल जाओ ताकि आपके साथ फैमिली शुरू कर सके। हमेशा के लिए इनके हो जाओगे तो इनके मन में वो डर भी हट जाएगा और हमेशा चाहे कैसा भी मौसम हो, बारिश, धूप, पतझड़, सर्दी, गर्मी, ये आपके साथ हमेशा खुश रहेंगे। ये चीज़ अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि आपके साथ ही इनको खुशी मिलेगी और ना ही किसी और के सामने ही इतने एक्सप्रेसिव हो पाएंगे। ये चीज़ इनको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है कहीं ना कहीं, तभी ये पर्सन किसी को अपनी लाइफ में लाने का सोचते भी नहीं है। इनके पास सब कुछ है पर ये हमेशा सोचते हैं इनके पास एक वही इंसान नहीं है जिन पर ये सारा कुछ खर्च कर सके या फिर जिनके साथ ये सारा कुछ बांट सके। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो फैमिली चाहते हैं आप इनके क्वीन ऑफ कप्स हो, सारे इमोशंस आपके लिए है, समझोगे भी आप ही, और ये आपके पास आने की कोशिश करना चाहते हैं, ये आपके पास आना ही चाहते हैं, अपनी क्वीन ऑफ कप्स को लेके जाएंगे, ये ज़रूर जाएंगे। हो सकता है कि आपके आसपास ही पहले रहते हों पर ये अलग चले गए, हो सकता है काम के सिलसिले में ये ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स, जितने परफेक्ट आप होना इनके लिए उतना परफेक्ट कोई भी इनकी लाइफ में इनको मिला नहीं है। हर चीज़ में आप स्टडीज़ में भी बहुत इंटेलिजेंट हो, आप देखने में इतने स्मार्ट हो, आप सारी बातें समझते हो, आपके अंदर इतने सारे गुण हैं, मतलब आप ऑलराउंडर हो आप, ठीक है। तो आपसे बढ़िया पार्टनर ना इनको मिला है ना कोई मिल पाएगा। तो इसी चीज़ को ये दिल में रखते हुए हमेशा आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप मिल जाओ तो भैया बात ही बन जाए, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात ही बन जाए, इस पर्सन का ये कहना है। क्या होने वाला है आगे की ओर, क्या होने वाला है? याद तो बहुत करते हैं। ओह माय गुडनेस, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस कार्ड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई कांट टेल यू बट आई एम वेरी हैप्पी। मैसेज करने की सोच रहे हैं ये, आपको इनके दिल में है आपको मैसेज करना। नंबर 7 बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पे आ गया है मैसेज का, अपने पर्सन का नाम लिखते रहेंगे। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है ये किसी जेल में है, खुद से ही बिल्कुल जुदा हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अकेले रह के भी ये बहुत सफोकेट कर रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ में हो। जुडिकेशन, इसका मतलब ये है कि ये बहुत लोगों को एडवाइस देते हैं पर इनकी लाइफ बहुत सुनी सुनी है। ये किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि इनके लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम, हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा इनकम में फ़ायदा भी हुआ हो, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खुश है। नंबर 27 यहाँ पे आ गया है। ऑफिशियल पर्सन, ये खुद आके आपके पास बहुत सारी बातें बोलना चाहते हैं और इसके लिए किसी को मैसेंजर नहीं बनाना चाहते, इसके लिए ये चाहते हैं खुद आपके पास आएं और आपसे अपने दिल की बात को बोलें। क्योंकि अगर ऐसा ये नहीं करते हैं, किसी और को भेजते हैं, तो भी इनकी दिल की बातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अधूरी रह जाएगी और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। बहुत ही प्यारा सा कार्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि आप दोनों बहुत ही जल्द मिलने वाले हो, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही गुड न्यूज़ है यहाँ पे देख के, अच्छा लग रहा है। थीफ, आप एक चोर हो जिन्होंने इनके दिल को चुराया है, ग्रेट फॉर्चून दोनों का मिल जाना ही
आपस में साथ में आना ही, साथ में खड़े भी हो जाना ही ग्रेट फॉर्चून है। गिफ्ट का कार्ड आया है कि आपके हो सकता है कि जब ये मिलने आए तो ये आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए, या फिर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हो जो इन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखी है। ना जाने मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, या तो घड़ी हो सकती है, पेन से रिलेटेड। नंबर 7 बहुत बार आ रहा है, 27, 22, 24, 26, 30, 35, 17। बहुत ही प्यारी एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। पता चल रहा है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आपकी सोच से परे। ओ माय गॉड, मेन फीमेल प्रिविलेज लेडी। अब इनके लाइफ में आपके अलावा और कोई ना है ना होगा, आप ही इनके लिए मेल फीमेल हो और एक तरीके से ये आपका पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्होंने ठान ली है किस प्रकार से आपको पैम्पर करके, हमेशा आपका ध्यान रखकर आपको बहुत ही खुश रखेंगे, बहुत लकी फील कराना चाहते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। कैसी लग रही है आपको ये रीडिंग, लाइक करके भी ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग है, उसको भी देख के भी ज़रूर जाइएगा। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।